30 फीट बाई 50 फीट हाउस प्लान, 1500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान पे ऑल आउटसाइड का वॉल 10 इंच एंड पार्टीशन वॉल 5 इंच है। इसको एक्सटेंशन कर लेते हैं। सो गाइस, इस तरफ का इंटरफेस आपका सामने आ गया है, तो इसका जो डिटेल्स है शेयर करेंगे, डिटेल्स जो है समझा देंगे, किधर क्या रहेगा, क्या मेजरमेंट है, सारी चीज़ क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपका कुछ सवाल है, अगर समझने में दिक्कत आए है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सकता है इसको रिप्लाई में कर दूंगा। तो चलिए, इसका जो डोर विंडो का पोजीशन है देख लेते हैं। विंडो का पोजीशन रहेगा और इस तरफ यहीं पे, जिधर जिधर हमारा विंडो का पोजीशन है उधर हमने विंडो को बना लेंगे। तो इस तरफ का देखिए, इस तरफ का विंडो का पोजीशन इसी तरफ से, जिधर जिधर विंडो का पोजीशन है उधर हम विंडो को बना लेंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इस तरफ टॉयलेट का वेंटिलेशन, यहीं पे बेडरूम आएगा, बेडरूम का विंडो, इस तरफ भी विंडो है, बेडरूम में 5 फीट बाई 4 फीट विंडो प्रोवाइड किया। तो इस तरफ टॉयलेट का वेंटिलेशन है, देन यहीं पे डाइनिंग हॉल होगा उसका विंडो, और यहीं पे लिविंग रूम है, लिविंग रूम का विंडो इस तरफ प्रोवाइड कर दिया। और क्या करेंगे, इस तरफ भी एक विंडो प्रोवाइड कर देंगे, फ्रंट तरफ पूजा रूम है तो पूजा रूम के लिए एक विंडो रख देते हैं। और इस तरफ हमारा दो विंडो प्रोवाइड कर देंगे। इसका जो लुक है थोड़ा अलग टाइप का देखना चाहिए, तो इस हिसाब से इस तरफ दो विंडो प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको कट कर देते हैं। हमारा विंडो का पोजीशन जो है हमने कट कर लिया है, तो चलेंगे डोर का लेआउट में। तो पहले इस तरफ जो हमारा स्टेयर है, स्टेयर को रेडी कर लेंगे एंट्री में। इस तरफ स्टेप्स, इस तरफ स्टेप चढ़ के यहीं पे पैसेज में आना है। तो यहीं पे हमारा स्टेयर एंट्री का जो स्टेयर है रेडी कर लिया है। नेक्स्ट डोर बनाएंगे। से इस तरफ मेन डोर जो है रेडी हो गया, तो इस तरफ लिविंग रूम है, तो मेन डोर क्रॉस करके आपको लिविंग रूम में आना है। नेक्स्ट चलेंगे इसका, इस तरफ एक डोर आएगा। डोर विंडो का जो पोजीशन है हमने बना लिया है, देखिए इस तरफ मेन डोर दो विंडो, यहीं पर भी देखिए एक विंडो लगाया है, इस तरफ गेट है, और यहीं पे ये बेडरूम का डोर, यहीं पे किचन है, किचन का डोर, यहीं पे बेडरूम का डोर, टोटल 4 बेडरूम है, एक कॉमन टॉयलेट है उसका जो डोर इस तरफ है, और एक अटैच टॉयलेट है इस रूम के साथ। तो यहीं पे 2 बेडरूम, यहीं पे 2, यहीं पे एक बेडरूम, यहीं पे टोटल 4 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, साथ में किचन है। तो इसका थोड़ा फर्नीचर ऐड करके आपको दिखाएंगे। सो गाइस, दिस इज फुल्ली 3D फ्लोर प्लान। तो देखिए इस तरफ जो मेन एंट्री था स्टेयर चढ़ के, फिर यहीं पर 3 फीट का लैंडिंग, उसके बाद यहीं पे आपको लिविंग रूम में पहुंचना है। तो लिविंग रूम में यहीं पे सोफा सेट किया, यहीं पे टेबल वगैरह सेट कर दीजिएगा, और इस तरफ आएगा पूजा रूम, और यहीं पे एक बेडरूम है। देन यहीं पे आपको एक और बेडरूम, यहीं पे किचन, यहीं पे डाइनिंग हॉल, स्टेयर इस तरफ है, यहीं पे 2 टॉयलेट है, एक अटैच टॉयलेट इस बेडरूम के साथ, यहीं पे एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया। तो इस तरफ देखिए 2 बेडरूम है,
यहीं पे एक बेडरूम, यहीं पे एक बेडरूम, तो टोटल 4 बेडरूम इसको डिजाइन किया है। तो इंटीरियर भी आपको दिखाया है, तो इस तरफ किचन को वाइट कर दिया, डाइनिंग हॉल को इस तरफ है। तो स्टेयर को अच्छे से देख लीजिए, स्टेयर को जो डिजाइन है इस तरफ से बनाया, स्टेयर को यहीं पे हाफ है इस तरफ, फिर इस तरफ एक फ्लाइट आएगा, फिर नेक्स्ट इस तरफ फ्लाइट आएगा, तो 3 फ्लाइट में डिजाइन किया है। तो इसका जो मेजरमेंट का डिटेल्स है उसको दिखाएंगे, तो उसके लिए चलेंगे 2D प्लान में। दिस इज 1 बेडरूम, देन यहीं पे 2nd बेडरूम, देन यहीं पे 3rd बेडरूम, और इस तरफ 4th, तो 4 बेडरूम इस तरफ दिखाया। नेक्स्ट आएगा टॉयलेट, टॉयलेट को हमने इस तरफ एक सेट किया, कॉमन टॉयलेट, और इस तरफ अटैच टॉयलेट है, जैसे कि यहीं पे भी देख पा रहे हैं, यहीं पे 2 बेडरूम, यहीं पे 2 टॉयलेट, इस तरफ कॉमन, इस तरफ अटैच, यहीं पे भी डोर है, यहीं पे भी टॉयलेट है। नेक्स्ट किचन, किचन इस तरफ यहीं पे किचन है। नेक्स्ट पूजा रूम, इस तरफ यहीं पे पूजा रूम दिया है। जब आप रूम से निकल के बाहर आओगे तो वहीं पे जो डोर है, डोर से आपको जो पूजा रूम का गॉड है वहीं पे गॉड को दिखाई देगा, और यहीं पे आएगा लिविंग रूम। लिविंग रूम और इस तरफ हॉल, इस तरफ हॉल है। तो देखिए यहीं पे 2 बेडरूम हो गया, 2 टॉयलेट हो गया, बेडरूम, किचन, बेडरूम, पूजा रूम, लिविंग रूम, तो यहीं पे भी सेम है। आप ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें, यहीं पे प्लान जो है उसी हिसाब से 3D को बनाया है। तो चलेंगे इसका जो डिटेल्स है मेजरमेंट का दिखा देते हैं। यहीं पे बेडरूम 14 फीट बाई 12 फीट, ये बेडरूम का साइज भी 14 फीट बाई 12 फीट, टॉयलेट का साइज 5 फीट बाई 8 फीट, ये टॉयलेट का भी सेम साइज है 8 फीट बाई 5 फीट। बेडरूम का साइज 10 फीट बाई 10 फीट है, फीट, तो ये थोड़ा सा छोटा बेडरूम है। नेक्स्ट ये बेडरूम, ये भी 12 फीट बाई 13 फीट 6 इंच, पूजा रूम का साइज आएगा 5 फीट बाई इस तरफ 6 फीट है, और लिविंग रूम, लिविंग रूम का साइज हमारा आएगा 9 फीट बाई इस तरफ 12 फीट, 9 फीट बाई 12 फीट। यहीं पे जो पोर्च है, पोर्च का 3 फीट 6 इंच इसका विड्थ रहेगा, तो इस तरफ 30 फीट, इस तरफ 50 फीट है। और हॉल का जो साइज है, हॉल का साइज इधर से इतना दूर तक लेंगे तो 18 फीट 6 इंच, और विड्थ इस यहीं पे आपको विड्थ मिलेगा 8 फीट 6 इंच, और स्टेयर को इंक्लूड करके मेजरमेंट लेंगे तो इसका साइज आएगा 17 फीट 11 इंच। इस तरफ कॉलम का पोजीशन दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर आपको 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम प्रोवाइड करना है, तो इस बिल्डिंग में आपको 19 नंबर्स कॉलम यहीं पे ज़रूरत रहेगा। और इसका जो बिल्डिंग कॉस्ट है, इसको तैयार करने में आपको जो खर्च आएगा 21 लाख खर्च यहीं पर आएगा ओनली ग्राउंड फ्लोर बनाने में।